तेल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तेल के बिना ये कहा जाए कि कोई काम नहीं हो सकता रसोई का, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तेल के प्रयोग बता रही हूँ जो चमत्कार से कम नहीं है। बहुत सारे तरह के तेल होते हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों में तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं किस तेल से क्या लाभ है और क्या क्या प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूं सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान इसी तरह से आपका घर खुशियों से भरा रखे। मैं भी प्रसन्न हूँ और आपको मिस करती हूँ। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, मैं डॉक्टर उमाश्री हूँ, आपकी अपनी ज्योतिषी। तो आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। और इस चैनल में आपको धर्म कर्म ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र और अंक ज्योतिष पामिस्ट्री से संबंधित जानकारी दी जाती है। अभी हमने रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग और लामा फेरा भी स्टार्ट किया है। ये कार्यक्रम मेरे हस्बैंड करते हैं और उनकी मास्टरी है, ये मैं गर्व से कह सकती हूँ, पारंगत हैं वो। तो आप डिस्टेंस के थ्रू ये जानकारी ले सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हल्दी के तेल से शुरुआत करते हैं। हल्दी का तेल भी ले सकते हैं या तेल में हल्दी भी डाल सकते हैं, समान ही फ़ायदा होगा। जिनकी कुंडली में गुरु नीच राशि में हो, वो नहाने के पानी में एक महीने तक लगातार एक बूंद हल्दी के तेल डालें तो गुरु ग्रह की पीड़ा समाप्त होती है और उनका विवाह संपन्न हो सकता है। दूसरा उपाय सुनिए जो कि तिल के तेल से संबंधित है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो तिल के तेल का प्रयोग करें। तिल के तेल का प्रयोग उसके कमरे में करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं और उसमें जावित्री का पाउडर डाल दीजिए। जावित्री का पाउडर डाल मतलब पीस लीजिए और जावित्री का पाउडर डाल दीजिए तो उनका विवाह संपन्न हो जाता है। कक्ष में दीपक इस तरह से जलाएं कि दीपक जब तक पूरा नहीं हो जाए जागते रहें और आग से खतरा नहीं हो, मतलब कोई कपड़ा ऐसा नहीं रखें पास में जो आग पकड़ने का डर हो। ये आप अपने रिस्क पे करें और सावधानी से करें। जैतून का तेल का टोटका बता रही हूँ। अगर आपको निद्रा नहीं आती तो सायंकाल में अपना जैतून का तेल लेवें और जैतून के तेल में सायंकाल में बेडरूम में दो बड़ी इलायची या तीन बड़ी इलायची लेवें और उसको बर्न करें। तेज पत्ता भी ले सकते हैं आप और प्रतिदिन ये बर्न करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी। तेल का पात्र पीतल का होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज की समस्या से परेशान हो वो सरसों के तेल का ये टोटका कर सकता है। उसको अपने घर में डेली सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसमें पीली बत्ती और पीतल का दीपक होना चाहिए, मतलब पीतल का दीपक हो और उसमें पीली बत्ती हो और सरसों का तेल हो तो ये दीपक जलाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है और इसमें आप सेंधा नमक का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने लगेगा, कर्जे की समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। आइए सूरजमुखी के तेल की बात करते हैं। जिस घर में सूरजमुखी का तेल का दीपक जलाया जाता है उस घर में कलेश कम होता है, पति पत्नी में बहुत प्यार होता है। और जिस घर में सूरजमुखी के तेल का दीपक जलाया जाता है उन लोगों को बुरे सपने भी नहीं आते और नींद अच्छी आती है। जो व्यक्ति बहुत सारी बाधाओं से मानसिक रूप से अशांति अनुभव करते हैं उनको ये सलाह है कि स्नान के जल में 5-7 बूंद बहेड़े का तेल डाल के नहाएं। 1-2 बूंद भी डाल सकते हैं लेकिन 4-5 बूंद से अधिक नहीं प्रयोग करें और उसमें एक चुटकी नमक भी डाल दें। ऐसा करने से उनके
दिमाग में ठंडक रहती है। बादाम का तेल का तो प्रयोग आप जानते ही हैं, दिमाग को शीतलता देने में और दिमाग को तेज करने में इसका प्रयोग लिया जाता है। मेमोरी भी अच्छी रहती है इसकी मालिश से, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको पीपरमेंट के तेल का नुस्खा बता रही हूँ। जिस घर में मच्छर ज़्यादा हो वहाँ थोड़ी मात्रा में पीपरमेंट का तेल लेकर अपने चेहरे और हाथ पैरों पे लगा लेना चाहिए। इससे मच्छर नहीं काटते। पीपरमेंट का तेल एक कागज़ पर थोड़ा सा चुपड़ कर लटका, एक धागे से कमरे में लटका देना चाहिए कागज़ को। ऐसा करने से उस घर में मच्छर नहीं आते या उस कमरे में मच्छर नहीं आते। किसी किसी मकान में वास्तु दोष के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, और अगर मकान बनाने के बाद भी व्यक्ति को बहुत परेशानी आती है, और कई बार तो किराए का मकान भी उनको रास नहीं आता और बदलना पड़ता है, तो उनको वास्तु दोष को दूर करने के लिए 100 ग्राम या 150 ग्राम सरसों का तेल लेना चाहिए, थोड़ा अरंडी का तेल मिला लेना चाहिए, और उसमें 20 ग्राम देवदारु का या थोड़ा 10 ग्राम या 5 ग्राम देवदारु का तेल मिला लेना चाहिए। इस मिश्रण को साबुत नमक का डला इसमें डाल देना चाहिए, और पीतल का दिया जलाना चाहिए, और कमरे में कभी भी यह दिया जलाना चाहिए कुछ देर के लिए, इससे वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अभी मैं आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमा श्री है और मैं एक ज्योतिषी हूँ। मेरी यूट्यूब पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं जो विभिन्न टॉपिक पर बनी हुई है। आप चाहें तो डॉक्टर उमा श्री टाइप करें यूट्यूब पर और मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, आप उनका लाभ ले सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर ये वीडियो हैं, तो अलग अलग टॉपिक पर मेरी वीडियो हैं जो आपको परामर्श जैसा ही काम करती हैं, तो आप उनसे लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को सब्सक्राइब किया है, मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में है। मेरी वीडियो शेयर भी किया कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी किया कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिए। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।